फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न लाइवली। मैं आरती आज शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, जो कि है आलूओं से बनी स्माइलीज। इसमें बहुत ही कम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद आएगी, बच्चों से लेकर बड़ों तक। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं स्नैक्स के रूप में, और आप इसे चटनी, चाय या किसी भी केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बॉइल्ड आलू, इसमें मैंने हल्का सा नमक डालकर इसको उबाल लिया था। नमक यहाँ पर मैंने लिया है 3 ब्रेड स्लाइसेस वाइट, आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर और रिफाइंड ऑयल। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो हमने ब्रेड स्लाइसेस लिए, हमें उनको टोस्ट करना है बिना घी और तेल लगाए। क्या होगा उससे कि हमारे जो ब्रेड का मॉइस्चर है वो हट जाएगा, और इसे जब हम इसमें डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्लेवर उभर कर आएगा। तो हम इसको पहले, यहाँ पैन गर्म हो रहा है, मैं इसमें इनको रख देती हूँ। इनको हमें बहुत ही अच्छे से टोस्ट करना है, इसका मॉइस्चर एकदम निकल जाए। तो ये जब तक हमने इसको लो फ्लेम पर रख दिया है, इसको धीमे आंच पर ही आप अच्छे से दोनों तरफ से घुमा घुमा कर इसको टोस्ट कीजिएगा। एक तरफ हम आलूओं को मैश कर लेते हैं। आप आलूओं को कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मैश कर रही हूँ मैशर की हेल्प से। आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छे से सभी मैश हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक बार हम अपने जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उनको देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। हम इसको इसलिए टोस्ट कर रहे हैं ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए, और जब हम इसको आलू में डालेंगे तो उससे एक बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आएगा, क्रिस्पी हमारे स्माइलीज बनेंगे। इसलिए हम इसमें ब्रेड क्रम्स या ब्रेड स्लाइसेस का यूज़ करते हैं, और वो बहुत अच्छे से बंद भी जाएंगे आलू, मतलब कि आप जब उसको डीप फ्राई करेंगे तो आपके आलू अलग अलग नहीं होंगे। ब्रेड अच्छे से टोस्ट हो गए हैं, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इनको एक प्लेट में ले लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा किनारे से निकाल देते हैं, जो इसका ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का सा हम निकाल रहे हैं। ब्रेड बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। आप चाहें तो ये पूरा भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं डाल रही हूँ ताकि स्माइलीज में जो कलर है वो अच्छा दिखे। इस तरीके से थोड़ा सा कलर डार्क हो सकता है, इसलिए मैं निकाल रही हूँ, अदरवाइज़ आप इसे भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रेड स्लाइसेस हो गई हैं। अब हम इनको इस तरीके से टुकड़ों में तोड़कर और इनको ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से, बिना पानी या किसी चीज़ के हमें इसको ग्राइंड करना है। ये देखिए फ्रेंड, सारे ब्रेड्स को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हो गए हैं। अब हमें ये सारे जो हमने ब्रेड को ग्राइंड किया है सब इस आलू में हमें डाल देना है, और अब हमें इसमें सॉल्ट डालना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 2 टेबलस्पून में कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। अब हमें इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप इसको हाथों से खूब अच्छे से मिक्स करके एक डो के रूप में इसको तैयार कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक अच्छा सा डो तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको आप चाहे तो सिंगल सिंगल इसको छोटे छोटे पार्ट में भी लेकर बना सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ थोड़े ज़्यादा बनाऊँगी। तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो इसको हम 2 पार्ट में ले लेते हैं, आलूओं को बराबर के 2 पार्ट कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों के बॉल्स जैसे बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस पर थोड़ा सा ऑयल लेना है, आप जिस पर भी रोटी बनाते हो उसे ले लीजिए, और देन इसको आपको इस पर रख के अपने हाथों से प्रेस करते हुए इसको बड़ा करना है। ऑयल लगा के हल्का सा अपने हाथों से इस पर ऐसे ऐसे घुमाइए जैसे आपको लगे कि सब तरफ से बराबर ही एकदम। इसमें हमने जो ब्रेड और कॉर्न स्टार्च डाला है उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से ये आलू के साथ बेंड हो जाता है। आप देखिए, ये देखिए, आपको इसकी इतनी मोटी लेयर रखनी है, ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा आपको इसको पतला नहीं करना है। देन आप
एक छोटी ग्लास या कुछ भी आपके पास हो, कोई ढक्कन किसी चीज़ का, आप उसको लेके उससे आप इसको ऐसे शेप दे दीजिए। इससे क्या होगा कि एक साथ कई सारे कट जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप एक साथ कई सारे बना लेंगे। यहाँ पे ये मैंने बनाए हैं 6-7 बनाए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो अलग से हैं इनको निकाल देना है। आप इसको फिर उसी तरीके से बनाइएगा। ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। अब हमें इसको स्माइली का शेप देना है, तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रॉ लेना है। उससे पहले हम इसकी आई बनाएंगे। ये देखिए, और फिर आप एक स्पून की हेल्प से इस पे इस तरीके से स्माइल की तरह थोड़ा सा स्पून से ऐसे ऐसे कर दीजिए। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। इसी तरीके से हम सब पे कर लेंगे। आप इसको हाथों में भी लेकर बना सकते हैं आराम से। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी है बनाना। इसे कोई भी बना सकता है और इसको बनाने में मज़ा भी आता है बहुत। इसी तरीके से हम सबको बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने क्यूट लग रहे हैं स्माइलीज। अब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। एक तरफ ऑयल गरम हो रहा है। ऑयल गरम हुआ है कि ना, हम एक बार चेक कर लेते हैं। उसी आलू को लेकर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें। अगर ये ऊपर आ जाएगा मीन्स कि तेल अच्छे से गरम हो गया है। हमें तेल को एकदम ज़्यादा गरम नहीं करना है, हमारा तेल बहुत सही गरम है। अब हम इसमें बाकी के जो स्माइलीज हैं उनको डालते हैं। ये अपने आप अभी ऊपर आ जाएंगे, तब हम इनको पलट पलट कर डीप फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। एक गोल्डन ब्राउन कलर जब इसमें आ जाएगा तब तक। फ्रेंड्स, सारे स्माइलीज बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं ये लास्ट सबको फ्राई कर रही हूँ डीप फ्राई। आप इसको फ्राई करते समय ध्यान दें, आपको इसको दोनों तरफ से पलटते रहना है, नहीं तो आपका जो कलर है वो बेकार हो सकता है। आपको दोनों तरफ से सेम कलर चाहिए हो तो आप इसको कंटिन्यूसली पलटते रहिएगा, उससे आपके स्माइलीज में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। जैसे ही स्माइलीज ऊपर आ जाए आपको इसको पलटते रहना है, वरना आपके कलर डार्क हो सकते हैं। इस तरीके से आप इसको पलटते रहिएगा और मीडियम फ्लेम पर ही आप इसको डीप फ्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। आपने देखा ये कितने आसानी से बन जाता है और बहुत ही इसमें कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो आप उसको ये बनाकर खिलाएं, डेफिनेटली उसके फेस पर तो स्माइल आ जाएगी देखकर। और आपके बच्चों को भी आप बना के खिलाइए और आप खुद भी इसे खाइए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और आप चाहें तो इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जीरा पाउडर, काली मिर्च और जो भी आपको पसंद हो। मैंने इसको सिंपल सा बनाया है, मुझे सॉल्टेड ही प्लेन पसंद आता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। तो आप ही से बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये स्माइलीज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे स्माइलीज बनकर तैयार है। ये कितने क्यूट और अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने मेयोनीज लिया है और टोमेटो केचप और इस पे चिली फ्लेक्स डाल दिया है, जिससे थोड़ा एक स्पाइसी फ्लेवर आ जाएगा। आप भी इस तरीके से खाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी रेसिपी ये शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।